ओके सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम यहाँ साल बड़ी कलीसिया के साथ बाइबल स्टडी करने का मौका मिला। और हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार का पढ़ाई कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किया, लेकिन यूहन्ना ने द एवेंजेलिस्ट जॉन उन्होंने 7 विशेष चिन्हों को चुनकर अपने सुसमाचार का किताब में उन्होंने लिखा। और पहला चिन्ह पिछले बार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को अंगूर का रस में बदल दिया और ही टर्न्ड वाटर इनटू वाइन। ओके, दूसरा चिन्ह किसी को याद है? मैंने बोर्ड पे लिखा था, किसी ने नोट्स पे लिख दिया, सारे 7 चिन्हों मैंने पहले ही बोल दिया, इसलिए किसी को याद है दूसरा चिन्ह क्या है? Is anybody remember what the second? I'll show it on the screen. Don't worry, but I just want to see if you remember. What was the second sign? दूसरा चिन्ह क्या था? No, that will come in John chapter 11. Okay. तो आइए मेरे साथ योहन्ना इसका चौथा अध्याय 46 to 54 को मेरे लिए पढ़ेगा हिंदी में, जॉन चैप्टर 4 46 to 54। और वहां पर दूसरा चिन्ह लिखा है, इसलिए वो फिर गलीली के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। कफरनहूम में एक राजकीय अधिकारी कुलीन मनुष्य था, उसका पुत्र बीमार था। तब उसने सुना कि यीशु यहूदियों से निकलकर गलीलों में आया है। वह उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक तुम विश्वास न करोगे। राज के अधिकारी ने उससे कहा, महाशय, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, अपने मार्ग जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उस मनुष्य ने यीशु के वचन पर विश्वास किया जो यीशु ने उससे बोला था, और वह अपने मार्ग पर चला गया। नहीं, थैंक यू। 54 तक पढ़ लिया ना? 50 है। 54 तक पढ़िए। और वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि मेरा पुत्र जीवित है। तब उसने उनसे पूछा कि वह किस घड़ी अच्छा होने लगा, और उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। इसलिए पिता जान गया कि यह ठीक उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और स्वयं उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। अब यह दूसरा आश्चर्य कर्म है जिसे यीशु ने यहूदियों से गलीली में आकर किया था। थैंक यू। परमेश्वर इन बड़े वर्षों पर आशीर्वाद दे। अभी ये चिन्ह शब्द को जब हम देखते हैं जो यहोना इस्तेमाल करते हैं, ये एक विशेष शब्द है और इसका मतलब है, इंग्लिश में लिखा है कि एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग ग्रेट अबाउट गॉड और हेवन, मतलब परमेश्वर के बारे में कुछ विशेष बात या स्वर्ग के बारे में कुछ विशेष बात यहाँ पर छिपा हुआ है इस इन चिन्हों में। और ये चिन्ह शब्द जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरे सुसमाचार की किताबों में, इसका उपयोग दूसरे प्रकार से इस्तेमाल किया गया। जब लोग यीशु मसीह के साथ वाद विवाद करता है और वो लोग पूछते हैं, आप एक चिन्ह दिखाओ, चिन्ह दिखाओ, तो अभी वही शब्द जो है यहाँ पर यूहन्ना इस्तेमाल कर रहा है। और यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया, कुछ विशेष चमत्कार जो उन्होंने किया, वो अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह का रूप में है। और यूहन्ना क्या चाहता है कि यूहन्ना उसका 20 अध्याय 31 पद में पिछली बार भी हमने देखा था, लेकिन इसको दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय और 31 पद में क्या लिख क्यों लिखा है इन चिन्हों को, जस्ट रीड दैट वर्स। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है,
और विश्वास करने के द्वारा उसके नाम में जीवन पा सके। हाँ, और ये यूहन्ना का उद्देश्य है। वो एक सुसमाचार प्रचारक है, ही इज एन इवेंजलिस्ट, और वो लोगों को यीशु कौन है ये सिद्ध करना चाहता है कि यही वो मसीहा है, और अगर आप इस पर विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए इन सात चिन्हों को उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए लिखा, और ये वही जगह है जहां पर पहला चिन्ह यीशु मसीह ने किया था, पहला चिन्ह काना में हुआ था। अभी दूसरा चिन्ह भी इसी जगह में हो रहा है, काना में अभी हो रहा है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, इस चौथा अध्याय काफी विशेष अध्याय है, और इस अध्याय में जब हम पीछे थोड़ा सा जाएंगे, वर्स 44 में यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। और यीशु मसीह कौन सा नगर के बारे में बात कर रहा है? और चौथा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, अगर आप पढ़ेंगे तो इस चौथा अध्याय में सामरी में यीशु मसीह ने एक आ, आ, स्त्री से बात किया, ओके, द समैरिटन वुमन, और उस कुआं के पास में जाकर यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से बात किया। और यीशु मसीह जब ऐसा कह रहा है तो कौन सा जगह के बारे में बात कर रहा है कि एक व्यक्ति या एक भविष्यवक्ता अपने ही देश में आदर नहीं पाता? तो वो यरूशलेम के बारे में बात कर रहा है, या सामरी के बारे में बात कर रहा है, या गलीली उस इलाका के बारे में बात कर रहा है? तो जब हम यीशु मसीह का नाम को जब हम देखते हैं, एक नगर उसके नाम से हमेशा जुड़ा हुआ है। कौन सा नगर है? नाजरेत। हाँ, तो यीशु मसीह उस नगर के बारे में बात कर रहा है, और इसलिए यीशु मसीह वहां कुछ ज्यादा चमत्कार कुछ नहीं कर पाया, और उस नगर के बारे में वो बात कर रहा है। और नक्शा को जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह दक्षिण की ओर आ रहा है, ठीक है, तो पहला नाजरेत आएगा, उसके बाद काना आएगा। तो उन्होंने नाजरेत में गया नहीं क्योंकि वहां पर उनको कोई आदर सम्मान नहीं है, इसलिए वो काना में चला गया। और इस चौथा अध्याय में तो थोड़ा सा आप लोग सब जानते हैं, यीशु मसीह उस सामरी महिला से उस कुआं के पास बात करता है, और यीशु मसीह उस सामरी महिला से क्या अपेक्षा कर रहा है, व्हाट डिड जीसस एक्सपेक्ट फ्रॉम द समैरिटन वुमन? और जो यीशु मसीह उस सामरी महिला से अपेक्षा कर रहा है, आज यीशु मसीह हमसे भी वही अपेक्षा कर रहा है। सबसे पहले क्या है, वो ये सामरी महिला इस कुआ के पास आती है और यीशु मसीह कहता है मुझे पानी दो, ये सब आप लोग जानते हैं। हाँ, तो ये सामरी महिला कहती है आपके पास, आप तो एक यहूदी है तो मुझसे आप कैसे पानी पूछते हो, मांगते हो? तो यीशु मसीह ने बोला, जो व्यक्ति तुमसे बात कर रहा है, अगर आप जानती है कि वो कौन है, तो आप उनसे जीवन जल मांग लेता। तो तब वो कॉन्वर्सेशन में एक प्रकार का इंटरव्यू है, और वहां पर यीशु मसीह और उस महिला के बीच में जो बातचीत है वहां पर हम लोग देखते हैं। तो यीशु मसीह क्या अपेक्षा कर रहा है कि इस महिला का को एक प्यास है, और वो प्यास जो है खाली शारीरिक पानी से वो प्यास बुझ नहीं सकता। तो आपको एक अनंत काल का पानी या जीवन जल का जरूरत है, और यीशु मसीह के पास वो जीवन जल है जो उसके पास नहीं है। तो जो व्यक्ति उससे बात कर रहा है वो अनंत काल का एक व्यक्ति है, ही इज एन इनफाइनाइट पर्सन, और ये महिला या हम लोग जो है, इंसान जो है, उनका जीवन जो है कुछ ही दिनों के लिए है। वी आर फाइनाइट, गॉड इज इनफाइनाइट। तो ये उसके उसके समझ में आना चाहिए, जो व्यक्ति उससे बात कर रहा है वो अनंत काल का एक व्यक्ति है। और दूसरा चीज जो ये सीखना उसको जानना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह उस महिला से अपेक्षा कर रहा है कि 4:18 में जब जरा पढ़िए उस पद को। क्योंकि तू मांस पति कर चुकी है और जिसके पास जो आप है वह भी तेरा पति नहीं, क्या तूने साक्षी कहा है? ठीक है, तो यीशु मसीह ऐसा उसका जीवन के बारे में क्यों बोला? क्योंकि
प्रभु मसीह चाहता है कि जिस प्रकार का वो जीवन जी रहा है, बहुत सारे पुरुषों के साथ उन्होंने संबंध रखा, वो सही नहीं है और उससे उसको पश्चाताप करना, शी नीड्स टू रिपेंट ऑफ हर सिन। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही अपेक्षा कर रहा है, अगर मैं किसी पाप में डूबा हूं तो वहां से मुझे निकलना चाहिए और पश्चाताप, मन फिराव अपेक्षा करता है। और क्या अपेक्षा करता है प्रभु यीशु मसीह सामरी महिला से? दैट शी रिकॉग्नाइज जीसस वाज द मसीहा ऑफ द वर्ल्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने वो बोला, क्योंकि ये रविवार को मैंने इस विषय पे थोड़ा सा बात किया था कि ये महिला कहती, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और उसके अंदर एक प्रकार का घमंड है कि मैं ज्ञान से भरा हूँ। तो यीशु मसीह कहता है, तुम मसीहा के बारे में तुम जानती हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि मैं ही वो मसीहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह क्या अपेक्षा कर रहा है कि यीशु मसीह जो बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, वो ही परमेश्वर का भेजा हुआ मसीहा या उद्धार करता है। ये आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करता है। हाँ, हम लोगों का उद्धार हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, हमने प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाया है, लेकिन आज भी अगर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह यही अपेक्षा कर रहा है कि हम इस महिला की तरह यीशु मसीह को मसीहा के रूप में पहचानना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ यहूदी लोगों का उद्धार करता नहीं, सिर्फ सामरी लोगों का मसीहा नहीं है, लेकिन वो 42 वर्स 42 में हम लोग वो पढ़ते कि वो लोगों ने साक्ष्य दिया। क्या साक्ष्य दिया वहां पर वर्स 42? और वो कहा, अब हम तेरे पहले ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने अभी सुन लिया, वो जानते हैं कि यही सचमुच मैं करता हूँ। जगत का उद्धार करता है। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज नॉट द सेवियर जस्ट ऑफ द जूस और ऑफ द समैरिटन्स बट ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब पूरा दुनिया का उद्धार करता है यीशु मसीह, और इस पर हम लोग आज विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये अपेक्षा कर रहा है उस सामरी महिला से, और हमसे भी वही अपेक्षा वो कर रहा है। और वो चौथा पॉइंट जो है वहां पर, शी नीड्स टू दैट शी शुड वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। ओके, दैट शी शुड वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। और ये स्पिरिट कौन सा है? ये पवित्र आत्मा है या हमारे अंदर का आत्मा है? जब हम देखते हैं ध्यान से, जब इसको समझते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मा के बारे में बात कर रहे, टॉकिंग अबाउट आवर स्पिरिट। और ये स्पिरिट को एक दूसरा शब्द हम लोग वहां दे सकते हैं, एटीट्यूड, या सही रीति से, सही प्रकार से, सही सोच समझ कर। और वो दूसरा जो है सच्चाई से, क्योंकि इस सामरी महिला के पास आधा ही सच है, हाफ ट्रूथ, पूरा सच नहीं है। एक ही परमेश्वर है करके वो विश्वास करती है, लेकिन आगे परमेश्वर ने बहुत सारा क्या बोलते हैं, वचन दिया अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा, और भी बहुत सारे नबियों को भेजा, उस पर उन्होंने, ये सामरी लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो उनके पास आधा सच है। तो पूरा सच्चाई पर हमको विश्वास करना है, इसलिए सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर का आराधना करना जरूरी है। ठीक है, तो जब ये चीजें उसने जान लिया, ये सारी चीजें उसने समझ लिया, तो उसको भेजा है, वो अपने गांव में गई और अपने गांव में उन्होंने प्रचार किया, और लोगों को, पूरे गांव के लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए, और पूरे गांव के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अभी ये जो घटना यहाँ पर हुआ, ये प्रेरितों का काम में भी हम लोग देखते हैं कि जब फिलिप जो प्रचारक है सामरी में जाता है, और वहां बहुत सारे लोगों का उद्धार होता है, उनको पवित्र आत्मा मिलता है, बाद में पतरस और यूहन्ना जाता है वहां पर और उनको पवित्र आत्मा मिलता है, तो ग्राउंड वर्क क्या बोलते हैं, जो सुसमाचार वहां जाने से पहले खुद यीशु मसीह वहां पर गया था,
बाद में प्रेरितों का काम में जब हम देखते हैं, यही सामरी के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उनको भी पवित्र आत्मा मिलता है। ओके, तो शी वॉज टू बी अ विटनेस। और आज भी यीशु मसीह हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है कि हम भी अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, हमारे गांव में जहाँ हम रहते हैं वहां एक गवाह बनकर हमको रहना है। तो ये सब चीजें अभी ये कुलीन व्यक्ति के साथ क्या लेना देना, एक रिश्ता है। देर इज अ रिलेशन बिटवीन वॉट एवर इज हैपनिंग हियर विथ द डोंबल मैन सन, और इसको समझने का हम लोग कोशिश करना है। ओके, नोइंग इज नॉट सफिशियंट, रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रूथ इन द राइट स्पिरिट और द राइट एटीट्यूड इज अ मस्ट। एंड वॉट एटीट्यूड परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, दैट इज अ ब्रोकन एंड अ कॉन्ट्राइट स्पिरिट। और ये वो कुलीन व्यक्ति, द नोबल मैन, इसके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह ये बात अपेक्षा कर रहा है कि इसके अंदर भी एक टूटा हुआ दिल और एक सच्चा दिल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये मेरे पास नहीं है, इफ आई डोंट हैव अ ब्रोकन एंड अ कॉन्ट्राइट स्पिरिट, देर इज नो वे आई कैन वर्शिप गॉड। जीवित परमेश्वर का उपासना, जब तक मेरे पास एक टूटा हुआ और सच्चा दिल है, तब तक उस जीवित परमेश्वर का आराधना भक्ति में नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके विषय में मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। जस्ट वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से हियर, हमारे बीच में सेकंड जनरेशन विश्वासी लोग हैं। पहला जनरेशन जो है हमारे बाप दादाओं ने विश्वास किया, लेकिन सेकंड जनरेशन अभी जो बच्चे जो हमारे हैं वो भी अभी प्रभु में बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने बाप और माँ से प्रभु परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ उन्होंने सीखा, वो ज्ञान जो है हमारे माथे में भरा हुआ है। लेकिन वो ज्ञान, मतलब जो जैसे वो सामरी महिला के पास ज्ञान है, मैं जानता हूँ, आई नो आई नो। और नौजवान लोग अपने माता पिता को कभी कभी ऐसे जब आई नो बिफोर यू, आपसे पहले मैं जानता हूँ, जो पेरेंट्स है या वो लोग जानते हैं, कभी कभी हमारे बच्चे हमको इस प्रकार से उत्तर देते, आई नो मैं जानता हूं। लेकिन वो ज्ञान को जो आपने आपके सिर में रखा है, सिर्फ यहां रखना काफी नहीं है, ज्ञान को हमारा दिल में भी लाना है। उस वी नीड टू ब्रिंग दैट फेथ डाउन टू आवर हार्ट्स, और उसका अपने जीवन में हमको लागू करना है। ओके, सो नोइंग इज नॉट इनफ, वी नीड टू पुट इट इन टू प्रैक्टिस। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। एंड ये जो कुलीन व्यक्ति जो है यहाँ पर, जब हम उसको देखते हैं, ओके, तो हिंदी में वहाँ आपके बाइबल में कुलीन व्यक्ति लिखा है, लेकिन मेरा ट्रांसलेशन में वो एक राजा का कर्मचारी करके लिखा, आपका बाइबल में कुलीन है करके आपने पढ़ा। तो ही वॉज अ मैन ऑफ अथॉरिटी, उसके पास बहुत सारा अधिकार है। और वो किसका, कौन सा राजा के लिए वो काम कर रहा था, इसको समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। क्योंकि इसराइल देश में एक ही तो राजा था, हेरोद राजा। दूसरा जो राजा था वो रोम का सम्राट था, रोम में था। तो ये व्यक्ति कौन सा राजा के लिए काम कर रहा था, तो कोई कॉमेंटेटर्स हम लोग जब देखते हैं तो कहते हैं शायद वो हेरोद राजा के लिए एक कर्मचारी था, हेरोद राजा के लिए वो काम करता था। और इसलिए कोई कॉमेंटेटर्स ये भी कहते हैं, जो प्रेरितों का काम उसका 13वां अध्याय और एक पद में हम लोग मनेन नाम का एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते, और शायद शायद 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन शायद ये वही व्यक्ति है जो आपको प्रेरितों का 13वां अध्याय में मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं पूरा गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन कोई लोग इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, तो ये हेरोद राजा का एक अधिकारी होने के कारण, या राजा का एक अधिकारी होने के कारण उसके पास बहुत ही शक्ति है, ही हैज पावर। और उस शक्ति का उपयोग अपने परिवार के लिए भी वो इस्तेमाल करता कर सकता है। जैसे आज बहुत सारे एसपी लोगों के पास स्कॉर्पियो गाड़ी होता है, वो पुलिस का गाड़ी होता है, हालांकि वो अपने परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई लोग करते हैं। हाँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो
हैं। पुलिस का गाड़ी होता है लेकिन फैमिली भी अंदर बैठता है। लेकिन संकट के समय में मजबूरी जब है, अगर कोई बीमार है आपके घर में, तो उस अगर आप एक अधिकारी है तो आप परिवार को बिल्कुल जो शक्ति आपके पास है, जो चीजें आपके पास है, उसका उपयोग करके अपना परिवार को बचाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जो शक्ति जो है अपने बेटे के इलाज के लिए इस्तेमाल किया होगा। और इसराइल देश में सबसे बढ़िया डॉक्टर, सबसे अच्छा डॉक्टर अगर है तो उसको खोज कर निकाल निकाल के अपना बेटे का इलाज वहां से वो करवाता। सो ही वुड हैव गिवन द बेस्ट मेडिकल अटेंशन। और अगर हमारे भारत देश में सबसे अच्छा हॉस्पिटल अगर कोई कहता है, वेल्लोर जाएगा, क्यों? वहां सबसे अच्छा इलाज आपको मिलेगा। और अगर वहां नहीं, अगर अगर पैसा इमीडिएटली चाहिए, अपोलो हॉस्पिटल जाएंगे या दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में आप जाएंगे, जहां पे अच्छे सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगा। तो इस प्रकार से उसके देश में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा डॉक्टर उसके पास था। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी वो देखता कि उसका बेटा जो है ठीक नहीं हो रहा है, हिज सन इज नॉट गेटिंग वेल। तो देखो, कोरोना के समय में भी जब हमने देखा कि अमीर लोग भी कोरोना से मर रहे, गरीब लोग भी कोरोना से मर रहे, वो बीमारी किसी का जात देखकर, किसी का बैंक बैलेंस देखकर नहीं आता। बीमारी जब आना है किसी को भी आएगा। और जब ये बीमारी बच्चों के ऊपर आता है तो वो जो माँ और बाप जो है उनको और भी दुख लगता है। अगर बीमारी मुझको लगेगा मैं सह लूंगा, लेकिन वो बीमारी जब मेरे बच्चे में आ जाता है तो बहुत कठिन है। उसको देखकर वो हम लोग, हमारा दिल जो है टूट जाता है। और यही बात जब इलाइजा, मेरा बेटा बीमार हुआ था, मुझे याद है, यहाँ सिलीगुड़ी में 2 बार हम लोग एडमिट किया, आप लोग भी मदद किया, प्रार्थना किया हम लोगों के लिए, हमारे बेटे के लिए, लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग महाराष्ट्र गए, वहां पर भी ठीक नहीं हुआ, तो हम लोग चिंता में है। 3 4 बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है। एक दोपहर का समय मुझे याद है, बेचारा उसको इतना सारा इंजेक्शन वगैरह उसको लगाया था, और वो दोपहर का समय खाना भी ठीक से नहीं जा रहा, लूज मोशन होता ही जा रहा, होता ही जा रहा है। तो मेरा बेटा दोपहर का समय कुछ खाना खाने के बाद वो कहता है, दादा आई एम फीलिंग सो टायर्ड, और वो बिस्तर पर लेट गया। उसका वो अवस्था देखकर मेरा दिल टूट गया कि मेरा बच्चा जो है ठीक नहीं हो रहा है। मेरे पास शक्ति है कुछ भी करने के लिए, मैं कर सकता, गाड़ी अगर चलाना है यहाँ से मुझे बेंगलोर जाना है, मैं गाड़ी चलाकर लेके जाऊँ नॉन स्टॉप। अगर मेरा बेटे को ठीक करना है, मैं जो कुछ भी करना मेरे शक्ति में मैं करूंगा, जितना पैसा मेरा बैंक बैलेंस में पूरा जीरो करूंगा, लेकिन मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। तो ऐसा अवस्था, ऐसा परिस्थिति इस व्यक्ति में है, मेरा बेटा जो है ठीक होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। अपना सारा शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो उसने शायद सुना होगा कि नसरत का इशू जो है लोगों को चंगा करता है, नसरत का इशू जो है लोगों को ठीक करता है। तो जब वो सुना, कैसे सुना होगा, देखो वर्स 45 दोबारा पढ़िए उस पद को। तब जब वो गलीली में आया तो गलीलियों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, हाँ, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तो यीशु मसीह जेरूशलेम गया था पर्व में, और वहां गलील के लोगों ने यीशु मसीह को देखा। और जब वो लौट कर वापस आया तो जहां कहीं पर भी वो गया, उन्होंने बोला, यीशु नसरत का यीशु एक चमत्कार करने वाला व्यक्ति है और लोगों को ठीक करता है। तो ये खबर उसके कान पे आया होगा। तो अभी बोला, हाँ अभी एक मेरा बेटा को बचाने वाला एक ही व्यक्ति है और वो यीशु मसीह है।
जब बीमारी आता है किसी के घर में, सबसे अच्छा डॉक्टर जिसके पास पहले में जाना चाहिए वो कौन है? यीशु मसीह। अगर बीमारी मेरे घर में आया, सबसे पहला व्यक्ति जिसके पास, हाँ डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा खाएंगे, लेकिन सबसे पहला जिसके पास मुझे भागना है वो यीशु मसीह के पास मुझे जाना है। और वो इंग्लिश में कहा, ही वॉज डेस्परेट, मतलब मैं कुछ भी करने के लिए मैं तैयार है, कितना भी पैसा देने के लिए मैं तैयार, लेकिन मेरा बेटा जो है ठीक होना चाहिए। तो वो 47 पद में, वर्स 47 इंग्लिश में लिखा है, फॉर ही वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, क्योंकि वह मरने पर था। उसका बेटा का अवस्था क्या है, वो जो बुखार उसको हुआ था, अभी मरने का समय आ गया, मरने का समय आ गया। तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जब उन्होंने सुना यीशु मसीह अभी कहां पर है, कन्ना में है, कन्ना में है, तो वो कन्ना कपरनूम से कन्ना जो जो अंतर है, इट इज अराउंड 34 किलोमीटर्स, 34 किलोमीटर्स, जो तेज पैदल करने वाले लोग हैं 8 घंटे के अंदर वो उस यात्रा को पूरा कर सकता है, लेकिन ये आधिकारी है तो उसके पास शायद घोड़ा गाड़ी भी होगा, तो वो 4 घंटे में शायद वो यात्रा को पूरा कर सकता था। ठीक है, अगर पैदल जाना है, ज्यादातर लोग पैदल ही जाते थे, और 34 किलोमीटर का जिस 8 घंटे में वो पूरा किया होगा, 8 घंटे से कम समय में उसने किया होगा, घोड़ा पर बैठकर, घोड़ा गाड़ी लेकर वो गया होगा यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। तो सबसे अच्छा काम जो उसने किया है यीशु मसीह के पास, द बेस्ट थिंग दैट ही इज डूइंग हियर, ही इज गोइंग टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह ने उसके साथ कैसा जवाब दिया, कैसा बर्ताव किया? तो वर्स 48 में जब हम पढ़ते हैं, सो जीसस सेड अनटू हिम, अनलेस यू पीपल सी साइंस एंड वंडर्स यू सिंपली विल नॉट बिलीव। पढ़िए हिंदी में। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक तुम विश्वास न करोगे। तो देखो ये बेचारा इतना डेस्परेट, इतना मतलब पसीना बहाकर यीशु मसीह के पास आया, लेकिन यीशु मसीह उसको डांट रहा है। अब मैं सोचता, अरे ये क्या है बेचारा, वो तो अपना बेटे के लिए आया है, लेकिन यीशु मसीह उसको डांट रहा है। कभी डांट सुनना अच्छा लगता है क्या? नहीं, पिताजी का डांट या प्रिंसिपल का डांट कभी मिलने से आपका दिन जो है खराब गया, अरे प्रिंसिपल ने मुझे ऐसा बोला, तो ऐसा लगता है मेरा दिन खराब होगा, इतना सब मेहनत करने के बाद यीशु मसीह उसको डांट रहा है। तो याद करो यीशु मसीह ने उस सामरी महिला को क्या बोला था, यू नीड टू हैव द राइट स्पिरिट। तो शायद इसके मन में एक चमत्कार देखने का भी उत्सुक है, अभी ये मौका है, अब मेरे घर में अभी चमत्कार होगा, बाद में मैं सबको बोलूंगा आया यीशु मसीह मेरे घर में आया और मेरा बेटा को ठीक किया। तो यीशु मसीह उसको पहले ही डांट रहा है, चिन्हों के पीछे मत भागना। तो यीशु मसीह उसका जो चरित्र को थोड़ा सा डांट रहा है, और कभी कभी डांट सुनना अच्छा है, हमारे जीवन में सुधार लाता है। और एंड द लॉर्ड वांटेड टू चेक हिज एटीट्यूड दैट ही रियली बिलीव्स, नॉट बिकॉज ऑफ मिरेकल्स। और यीशु मसीह ये चाह रहा था कि चिन्हों के पीछे मत भागो, तुम विश्वास रखो, विश्वास मुझ पर विश्वास रखो, चिन्हों के ऊपर विश्वास मत रखो, मुझ पर विश्वास रखो, इसलिए यीशु मसीह उसको डांट रहा है। ओके, द लॉर्ड ऑल्सो वॉन्टेड टू सी हिज परसिस्टेंस इन द नोबल मैन। तो परसिस्टेंस शब्द किसी को हिंदी में क्या बोलेगा, व्हाट इज द वर्ड परसिस्टेंस? तो उसके लिए थोड़ा लुका उसका 18 अध्याय और 1 पद में वो परसिस्टेंट शब्द है वहां पर। और उसने इसके विषय में कि नित्य हाँ प्रार्थना करना और हिवाय न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। ओके, नित्य प्रार्थना करना, नित्य लगातार, एक बार आकर पूछना काफी नहीं है, दोबारा पूछो। और वही वो किया, जब यीशु मसीह उसको डांटा तो वो डांट सुना नहीं, वो क्या करता है,
देखो वर्स 49 वापस आइए, 4 अध्याय, जॉन चैप्टर 4 वर्स 49, वो क्या बोलता है वो देखो। राजकीय अधिकारी ने उससे कहा, महाशय, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। हाँ वो डांट वो इस कान से सुना इस कान से छोड़ दिया जैसा है, ठीक है। वो डांट जो है मैं सुनने के लिए तैयार, लेकिन आप आइए आइए प्लीज आइए मेरे घर पे आए, मेरा बेटा को जरा देखो, ठीक है। तो वो नित्य चाहता है, नित्य प्रार्थना करना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग प्रार्थना जो है एक बार करता है, अरे प्रभु इस प्रार्थना का उत्तर देने वाला नहीं है, फिर हम छोड़ देता है दूसरे, ठीक है प्रभु आपने ना बोला है, ठीक है नहीं, शायद प्रभु प्रभु चाहता कि हम नित्य प्रार्थना करें, लगातार उस विषय में प्रार्थना करना चाहिए। तो उसने फिर विनती किया, प्रभु आइए जल्दी आइए, मेरा बेटा मरने वाला है, जल्दी आइए। तो उसने प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसका बात को सुना, और यीशु मसीह बोला देखो तुम्हारा घर आने का कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारा बेटा जीवित, गो योर सन लिव्स, 50 पद में यीशु मसीह कहता है, जाओ जा तेरा पुत्र जीवित है, जाओ, ठीक है। तो इतना प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोल दिया, तो उस व्यक्ति ने विश्वास किया। देखो यहां पर जो घटना हुआ, इस व्यक्ति को एक बार समझ में आया कि ये यीशु जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है, और मेरा मुसीबत से भी बड़ा है ये व्यक्ति, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज बिगर देन माई प्रॉब्लम्स, और इसको मुझे समझना जरूरी है। ये मेरा जो बीमारी है या समस्या है या मृत्यु जो भी आएगा, ये सब छोटा चीज है। यीशु मसीह को जानना मेरे सारी संकटों से, सारी मुसीबतों से, सारी बीमारियों से वो बड़ा है, और ये उसको जानना जरूरी था, और उसने जान लिया, ही अंडरस्टूड दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज बिगर देन द प्रॉब्लम दैट आई हैव, एंड इफ आई नो हु ही इज दैट इज इनफ। अगर मैं इस व्यक्ति को मैं पहचान जाऊंगा तो वो काफी है। सो द मैन बिलीव, ये विश्वास करता है और तुरंत जाता है क्या घर, नहीं, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं वो गया, लेकिन हमने देखा कि कितना समय लगता है घर जाने के लिए, कितना दूरी है, 34 किलोमीटर्स। हाँ और कितना समय लगता है, हाउ मेनी आवर्स इज इट टेक, 8 घंटा। तो मैं अगर होता 8 घंटा क्या मैं अपना गाड़ी ऐसा चलाऊंगा वो 4 या 6 घंटे में पहुंच जाऊंगा, भागते अभी मेरा बेटा को मुझे देखना है, लेकिन ये ऐसा नहीं किया। जब यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने बोला जाओ, तो उसको समझ आ रही मैं विश्वास करता हूं, इतना जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं, मेरा बेटा सुरक्षित है, वो ठीक है, थोड़ा मैं जो घोड़ा वगैरह में लाया था थोड़ा उनको आराम करने दो, मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ, सुबह जल्दी उठकर मैं चला जाता हूँ। और वो जब वो वापस जा रहा है तो उनके नौकर उनको मिलता है, एक वर्स 51 जरा पढ़िए। हाँ और वो मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा पुत्र जीवित है। जो शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, तेरा पुत्र जीवित है, वही शब्द वो नौकर आकर बोलता है, तेरा पुत्र जीवित है। तो यीशु मसीह ने अपना वचन दिया और वो वचन से उसका बेटा ठीक हो गया। देखो यूहन्ना का सुसमाचार का किताब में यीशु मसीह को वचन के रूप में हम लोग देखते हैं, जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड, और वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, और उस कर्मचारी ने उस वचन पर विश्वास किया, ही बिलीव्ड इन द वर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया जाओ तेरा बेटा ठीक हो गया, और उसने उस वचन पर उसने विश्वास किया, जब उसने उस वचन पर विश्वास किया उसका बेटा ठीक हो गया, और इसलिए उसको जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं था, शांति से वो अपना घर वापस गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग सीखने के लिए क्या है, व्हाट आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दैट वी हैव फ्रॉम दिस
फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड फॉल्स फेमिलैरिटी, जैसे वो सामरी महिला कह रही, आई नो सब जानता हूँ। अवॉइड फॉल्स फेमिलैरिटी अबाउट जीसस, इट लीड्स टू लैक ऑफ ऑनर फॉर क्राइस्ट। तो जब मैं कहता है मैं जानता हूँ सब जानता हूँ, बाइबल पूरा पढ़ लिया मैं, अरे 10 बार मैंने बाइबल पढ़ लिया, तो क्या हो जाता है, यीशु मसीह का सम्मान नीचे हो जाता है। से बार बार पढ़ना और भी नया नया चीज सीखना और भी खोज करना है बाइबल में, वो परमेश्वर हमसे और भी बात करना शुरू करेगा। द मैन वॉक बैक रेस्टिंग इन द फैक्ट दैट जीसस वाज द मसीहा एंड वी नीड टू बी कंटेंट विद जीसस अलोन। यीशु मेरे लिए काफी है, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज इनफ। अगर मैंने यीशु मसीह को पाया और आज अगर मैं मर भी गया, चाहे मेरे पास घर हो या ना हो, गाड़ी है, बैंक बैलेंस, ये सब चीजें अगर नहीं भी है तो चलेगा। एक चीज अगर मेरे पास सबसे जरूरी है मरने से पहले, वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पहचानना। मैं कहानी को सुन रहा था, एक बहुत बड़ा डॉक्टर, यूएस में एक बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत पैसा उन्होंने कमाया और एक सुंदर लड़की से भी शादी किया और भी सुंदर बच्चे भी हो गया। और एक दिन वो पति पत्नी डेट पे गए अपने बच्चों को, एक क्या बोलते हैं, दूसरे को बुलाकर उन्होंने बोला, तुम थोड़ा अपना मेरे बच्चों को देखभाल करो, मेरा मेरा पत्नी डेट पे जा रहा है, आप जरा देखो। तो वो लोग डेट पे गए, बहुत अमीर है, बहुत पैसा, बड़ा बंगला है, सब कुछ उन्होंने बनाया। तो जब वो डेट पे गए, होटल में खाना खा रहा है, तो घर से उनको फोन आता है, जल्दी आइए जल्दी आइए, दुर्घटना हुआ है। तो वापस आ जाता है तो देखता सुनता है, देखता है कि उनका घर में स्विमिंग पूल भी था। तो उस स्विमिंग पूल में एक उनका बच्चा उस स्विमिंग पूल में जाकर मर गया। पूरा दुनिया उन्होंने पाया, डॉक्टर है, सम्मान है, पैसा है, घर है, स्विमिंग पूल है, बैंक बैलेंस है, सुंदर बीबी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब ऐसा दुर्घटना आ जाता है, क्या फायदा इन सब चीजों का। और उस कर्मचारी को भी यही पता चला, देखो मैंने मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अपना बच्चे का जान नहीं बचा सकता, तो मुझे इससे भी बढ़कर मुझे कुछ चाहिए। वो क्या है, केवल यीशु मसीह। ओनली द लॉर्ड कैन गिव मी सेटिस्फैक्शन, प्रभु यीशु मसीह ही खुद मुझे संतुष्टि दे सकता है। दुनिया के चीजों से, वस्तुओं से मुझे संतुष्टि नहीं मिलने वाला है। रिमूव प्राइड, अनबिलीफ एंड डोंट सीक साइंस, जैसा यीशु मसीह ने उसको डांटा, चिन्हों के पीछे मत भागो। आपने यीशु मसीह को पहचान लिया, ये काफी है। अगर चमत्कार मुझे देखना है, ये देखना है, वो देखना है, ना उसका कोई जरूरत नहीं है। बीमारी सबके सब सबके जीवन में कभी ना कभी आएगा, लेकिन वो बीमारी से बढ़कर मैंने यीशु मसीह को मैंने जान लिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा है। फोर्थ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और भी को बहुत सारी चीजें आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत जरूरी है कि अभी ये बाप ने अपने बेटे के शारीरिक चिंता के लिए बहुत मेहनत किया, दूर दूर तक वो गया, पैदल गया 8 घंटा शायद, खाली यीशु मसीह को देखने के लिए। हम अपने बच्चों का शारीरिक चिंता, मम्मी पापा होने के नाते हम लोग बहुत कष्ट करते हैं, बहुत पैसा भी हम लोग खर्च करते हैं हमारे बच्चों के ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे सीखे, अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज में उनका एक सम्मान बनना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन जितना मेहनत आप अपने शारीरिक, उनके शारीरिक चिंताओं के लिए आप करते हैं, उतना ही क्या आत्मिक चिंताओं के लिए हम लोग करते हैं। डू आई टेक द सेम एफर्ट, द सेम पेन फॉर द स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ माई चिल्ड्रन, उनका आत्मिक चिंताओं को पूरा करने के लिए क्या मैं इतना मेहनत
करने के लिए तैयार हूं क्या? और ये एक माँ बाप के जीवन में ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चे का उद्धार होना चाहिए, मेरा बच्चा जो है भटक रहा है तो मैं उसको कैसे दोबारा रास्ते पर लाऊं। तो उनका आत्मिक चिंता जो है ज्यादा जरूरी। वी नीड टू थिंक अबाउट स्पिरिचुअल कंडीशन अबाउट आवर चिल्ड्रन जस्ट एज वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आवर चिल्ड्रन, सिमिलरली द स्पिरिचुअल इज ऑल्सो नीडेड। तो ये मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ये दूसरा चिन्ह जो है आज हमने यहाँ पर देखा, तो प्रभु अगर सहायता करेगा आने वाले दिनों में तीसरा चिन्ह को भी हम लोग देखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।